Hello friends, welcome to the Activist YouTube channel. और आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज इंडियन पॉलिटी. तो इंडियन पॉलिटी को हम बिल्कुल डिटेल में स्टडी करेंगे. जितने भी हमारे हिमाचल के एग्जाम्स हैं, लाइक अभी अपकमिंग एग्जाम हमारे पास एचपी कंडक्टर का एग्जाम है, उसके बाद पुलिस कांस्टेबल एंट्री हमारे पास आएगी, तो उन सभी एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा. कोई भी कंपिटेटिव एग्जाम अगर आप उठाते हैं तो उसमें जो पॉलिटी है आपको इजीली पॉलिटी के 7 से 8 क्वेश्चन बहुत ही आराम से मिल जाएंगे. अब जैसे एचपी कंडक्टर का एग्जाम है उसके जो टोटल क्वेश्चंस होंगे दैट इज 170 क्वेश्चंस और 85 मार्क्स जो है आपके पास उस पेपर के लिए होंगे. तो उसमें सिंपली जो हमें देखने को ये मिल रहा है कि वहां पे 60 से 70 क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के जीके से होंगे, स्टैटिक जीके. तो अगर स्टैटिक जीके की बात करें तो उसमें जो इंडियन पॉलिटी है वो आपके 7 से 10 क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी जो है आप लोगों को देगी. तो आज का फर्स्ट टॉपिक जो हम देखेंगे वो हमारे पास फर्स्ट टॉपिक जो है दैट इज ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का प्रारूपण. ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग क्या समझते हैं, देखिए सबसे पहले जो हमारे पास वर्ड यहां यूज हुआ है दैट इज योर कॉन्स्टिट्यूशन. तो देखिए जो वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन से आप लोग क्या समझते हैं, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन सिंपली मतलब होता है किसी भी कंट्री के रूल एंड रेगुलेशन जिससे हम उस कंट्री को चलाते हैं. तो कॉन्स्टिट्यूशन कभी भी अगर आपसे बात किया जाए तो वो किसी भी कंट्री का रूल एंड रेगुलेशन की बात की जाती है. अब ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है कि हमने ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये ड्राफ्ट कैसे किया या बनाया कैसे. तो देखिए जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट था वो कैबिनेट मिशन प्लान द्वारा दिया गया था जो कि 16 मई 1946 को हमारे पास आया. इस कैबिनेट मिशन प्लान ने हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई. अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी ये वो असेंबली है जी जिस असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया और उसे लोगों को समर्पित किया. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे सबसे पहला बनता है वो ये बनता है कि कैबिनेट मिशन प्लान कब आया था. बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कि कैबिनेट मिशन प्लान कब आया था. तो आप सभी लोग डेट याद रखिएगी, 16 मई 1946 को आया. या ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है वो किस प्लान के तहत बनाई गई. तो जो प्लान था वो हमारे पास था कैबिनेट मिशन प्लान. अब इसकी जो फर्स्ट मीटिंग हेल्ड हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, पहली मीटिंग जो हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की हेल्ड की थी. और इसका जो आइडिया हमें दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन नाम की चीज होनी चाहिए, ये आइडिया हमें एमएन रॉय ने दिया था. एमएन रॉय जो थे इन्होंने ही कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन नाम की चीज होनी चाहिए. अब ये जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई इसमें हमारे पास टोटल 389 मेंबर्स थे जिसमें से 292 मेंबर्स प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के थे और 93 जो थे प्रिंसली स्टेट्स थे. प्रिंसली स्टेट्स वो स्टेट्स होती हैं जहां पे जिनको हम हिंदी में रियासतें कहते हैं, यहां पे लोकल राजा महाराजा जो थे इसके ऊपर राज करते थे. जो बच गए मेंबर्स हमारे पास वो हमारे पास ब्रिटिश प्रोविंस थे. कौन थे जी? ब्रिटिश प्रोविंस थे. ब्रिटिश प्रोविंस का मतलब जिनके ऊपर ब्रिटिश सरकार का राज था जी. नेक्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो सीट बांटी गई वो सीट्स किस तरह से बांटी गई, दैट इज सीट 1 to 1 million, मतलब कि मिलियन कभी भी अगर आपको बात करें कि 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है, तो जो सीट्स थे वो 10 लाख के पॉपुलेशन के ऊपर एक सीट हमने रखी. तो 3 तरह से जो है सीट्स को डिवाइड किया गया, मुस्लिम्स में, सिख्स में और जनरल में. डॉक्टर सचिनंद सिन्हा जो थे ये हमारे पहले चेयरमैन जो थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, इनको अपॉइंट किया गया. अब देखिए आप लोगों से ये बहुत ही ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, तो आपने याद रखना है डॉक्टर सचिनानंद सिन्हा. देखिए ये टेम्परेरी थे, ये परमानेंट मेंबर नहीं थे और 9 दिसंबर को जब हमारी फर्स्ट मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की उस टाइम पे हमने इन्हें अपॉइंट किया था. लेकिन इसके 2 दिन बाद, इमीडिएटली 2 दिन बाद दैट इज 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का परमानेंट मेंबर जो था वो बना दिया गया था.
जो बी एम रॉय थे इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का ही एडवाइजर नियुक्त किया गया था, जो एडवाइजर के तौर पे यहां पे काम कर रहे थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इन्हें हमने ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन अपॉइंट किया। और बहुत ही ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान के जनक कौन थे, तो बी आर अंबेडकर जी थे जो कि फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे। हमारे पास जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी ये पूर्णतः 26 नवंबर 1949 को हमारे पास बनके तैयार होगी, लेकिन हम लोगों ने इसे लागू नहीं किया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वो कब बनी, तो याद रखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 26 मतलब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो कब बना दिया, 26 नवंबर 1949 को इन्होंने कंप्लीटली कॉन्स्टिट्यूशन को बना के तैयार कर दिया, लेकिन हमने इसे लागू किया 26 जनवरी 1950। इसका कारण था जी, इसका ये कारण था क्योंकि हिस्ट्री में हम लोगों ने 26 जनवरी को सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग की थी जी। इसकी मांग की थी जी पूर्ण स्वराज की। तो ये जो पूर्ण स्वराज था ये हम लोगों ने इंडियन हिस्ट्री में 1930 को सबसे पहले भारत का झंडा फहराया था, तो उस दिन को यादगार बनाने के लिए हम लोगों ने 26 जनवरी जो डेट है वो रिपब्लिक डे के रूप में याद रखी थी। टोटल टाइम जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए लगा वो थे 2 साल 11 महीने और 18 दिन। टोटल हम लोगों ने 60 कंट्री से ज्यादा कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन स्टडी किया, जिस कंट्री की जो बात हमें अच्छी लगी वो हमने उसकी अडॉप्ट कर ली। टोटल जो पैसा इसके ऊपर खर्च हुआ दैट इज 64 लाख रुपीज। नाउ जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना उस टाइम पे हमारे पास टोटल 395 आर्टिकल्स थे, 8 शेड्यूल थे और 22 पार्ट थे। इस टाइम पे हमारे पास 12 शेड्यूल है और जो पार्ट्स हैं ये आप ठीक कर लीजिएगा दैट इज 25 पार्ट्स। राइट नाउ जो नेशनल फ्लैग था हमारा जी उसे 22 जुलाई 1947 को इंडिया ने अडॉप्ट किया और इसकी जो डिजाइनिंग थी वो पिंगाले वेंकले ने की जो कि आंध्र प्रदेश। इंडिया कॉमनवेल्थ मेंबरशिप का मेंबर मई 1949 को बना जी, और नेशनल एंथम दैट इज जनगणमन और नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम ये हम लोगों ने 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया। तो दिस इज ऑल फॉर योर फर्स्ट टॉपिक दैट इज ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। होप यू विल एंजॉय दिस लेक्चर एंड नेक्स्ट चैप्टर जो हम देखेंगे दैट इज द सेलियंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। थैंक्स टू बी पार्ट ऑफ एक्टिविज। जय हिंद।